हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंस्टा निवेश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर एक नई सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डेट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आरडी और एफडी से ऊपर हटकर बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर उन्हें इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती है। आपको इस सीरीज़ में डेट म्यूचुअल फंड से जुड़ी वो तमाम जानकारियाँ सरल भाषा में मिलेंगी, जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ इसमें इन्वेस्ट कर सकें और अच्छा रिटर्न भी कमा सकें। आज छठवें भाग में हम एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल देखेंगे और जानेंगे कि बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड चुनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो को ठीक से समझने के लिए आप पहले इस सीरीज़ का चौथा भाग ज़रूर देखें, फिर वापस यहाँ पर आएँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स का चौथा भाग देखा है तो आपको याद होगा कि डेट म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करने के लिए चार क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है यील्ड टू मैच्योरिटी, जो परसेंटेज में नापा जाता है। फिर है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जिसे साल में नापा जाता है। उसके बाद आता है एवरेज मैच्योरिटी, वो भी साल में नापा जाता है। और आखिरी है क्रेडिट क्वालिटी, जिसका मतलब है आपके डेट म्यूचुअल फंड्स में जो बॉन्ड्स हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, जैसे A+, A- AAA, AA इत्यादि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप गूगल में जा करके एक वेबसाइट को खोलिए जिसका नाम है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन। अब जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगी, उसके बाद आपको ऊपर फंड्स पे क्लिक करना है। फंड्स पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसमें सारे फंड्स की जानकारी दी हुई है, और वैसे भी वेबसाइट काफ़ी अच्छी है और इसमें काफ़ी सारे टॉप रेटेड फंड्स के बारे में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। खैर, हमें वो सब नहीं चेक करना है, हमें अपने डेट म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करना है। तो आप क्या करेंगे कि सीधा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जहां पर ये टेबल आपको दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि फंड कैटेगरी रिटर्न्स। तो आप देख रहे होंगे कि कितने तरह तरह के फंड्स यहाँ पर हैं, और अगर आप डेट की बात करें तो डेट में भी देखेंगे कि बहुत सारे तरह तरह के फंड्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, उनके रिटर्न्स भी दिए हुए हैं। अगर आपने पहले से ये डिसाइड करके रखा है कि आपको कौन सा फंड चाहिए, मान लें आप देख रहे हैं कि जैसे आपको मीडियम ड्यूरेशन फंड चाहिए, या तो डायनेमिक बॉन्ड फंड चाहिए, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड चाहिए, क्रेडिट रिस्क फंड चाहिए, जिस टाइप के फंड चाहिए, अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी एक म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करें। जैसे मान लें हमने यहाँ पर क्लिक किया कि डेट शॉर्ट ड्यूरेशन, तो देखिए कुछ यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। तो दोस्तों, आपके सामने डेट शॉर्ट ड्यूरेशन के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। देख रहे हैं आप कितने तरह तरह के और कितने सारे फंड्स हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप नए नए इन्वेस्टर हैं डेट फंड्स में, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिक्विड फंड, इन दोनों में से कोई एक को चुनें। हालांकि इनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा तो नहीं रहते हैं, पर आप इनमें से ही चुनें क्योंकि ये स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और बहुत सेफ होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सभी लिक्विड फंड या सभी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड बढ़िया ही होंगे, इसके लिए आपको अच्छे फंड चुनने पड़ेंगे। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि केवल स्टार रेटिंग पर और रिटर्न्स पर ध्यान न दें, आप अपना दिमाग लगाएं और जो मैंने पिछले क्राइटेरियाज बताए हैं उनमें वो सब पूरे फुलफिल करते हैं कि नहीं, आप वो देखें, उसके बाद ही उन्हें चुनें। तो चलिए हम इस टिक को निकाल करके डेट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन पर लगा देते हैं, और इसके साथ ही साथ में डेट लिक्विड पर लगा देते हैं। अभी फिलहाल सेफ्टी के लिए ये दो फंड्स में से हम एक चुनेंगे, और आप चाहें तो अपने हिसाब से इसी तरह से कोई भी फंड अपने ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। तो आपने देखा, ये हमने क्लिक किया, उसके बाद में अपडेट फंड्स लिस्ट। अब जैसे ही आपने अपडेट फंड्स लिस्ट पर क्लिक किया तो आपके सामने देखिए ये पूरे फंड की लिस्ट आ गई, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और इसको देख के कोई भी कंफ्यूज जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप देखेंगे कितने सारे फंड्स दिए हुए हैं, और इनमें से किसी एक को चुनना भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को याद करें तो क्राइटेरिया था यील्ड टू मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एवरेज मैच्योरिटी और क्रेडिट क्वालिटी। तो हमने ये देखा कि इसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन और एवरेज मैच्योरिटी और क्रेडिट क्वालिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है और एवरेज मैच्योरिटी है, वो जितना कम से कम रहेगा उतना इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ही कम से कम होगा।
ये बात सही है कि आपको रिटर्न्स उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। उसी तरह से क्रेडिट क्वालिटी, हमने बात किया कि क्रेडिट क्वालिटी आपके पास ट्रिपल ए या मिनिमम डबल ए तक रहेगी तो चलेगी, लेकिन डबल ए से नीचे ना जाए तो अच्छा है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिटर्न्स वाले टैब पर टिक करते हैं, और ये देखिए शॉर्ट टर्म रिटर्न्स दिया है, वीकली कितना है, मंथली कितना है, ईयरली, और यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम भी दिया है, वन ईयर का रिटर्न भी देख सकते हैं। अगर आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा, देखिए एक साल में 8% रिटर्न, देखिए निप्पॉन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, बाकी धीरे धीरे करके अलग अलग 4%, 3%, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 2%, ऐसे ऐसे करके अलग अलग रिटर्न्स आए हैं। और अगर आप थोड़ा लंबा समय लेते हैं तो लॉन्ग टर्म पर क्लिक कीजिए। लॉन्ग टर्म पर ऐसे मान लीजिए 5 साल का है, तो 5 साल का रिटर्न देख सकते हैं। ये जो PGIM इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, ये 8% के आसपास लगभग 5 सालों में दिया है, 3 साल में भी 8% दिया है, और उसके नीचे ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो डेट फंड है ये मेरे पास भी है, मैं भी इसमें करीबन 1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप 5 साल का देखेंगे तो 8% है, 3 साल का भी 7% है, तो इस तरह के रिटर्न्स हैं। खैर, चुनने के लिए सबसे पहले हम क्या एक काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पर रिस्क स्टेटस में आ जाएंगे। अब आप देखिए रिस्क स्टेटस में आ गया, आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, रिस्क फंड ग्रेड फंड और रिस्कोमीटर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखेंगे इसमें तो इसमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन करके एक कॉलम आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट से वो कितना फ्लक्चुएशंस होता है, मतलब जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है मतलब फ्लक्चुएशंस कम है। उसी तरह से आप ये अल्फ़ा देख रहे होंगे, अल्फ़ा का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा अल्फ़ा मतलब रिटर्न्स, जितना अल्फ़ा जनरेट कर रहा है मतलब रिटर्न्स ज़्यादा है। अभी देखिए जैसे 6.22 है तो इसका रिटर्न्स भी अच्छा है, और वहीं अगर अल्फ़ा कम है, नेगेटिव है या 1 है तो उसका उतना कम है वैल्यू। और इसके बाद आप अगर पोर्टफोलियो में जाते हैं तो देखिए यहाँ आपको क्रेडिट क्वालिटी मिल गई और बॉन्ड फंड स्टाइल मिल गया, मैच्योरिटी मिल गया, यील्ड टू मैच्योरिटी मिल गया। तो ये मेजर चीज़ है जो हमें देखनी है। सबसे पहले मैंने कहा कि आप एवरेज क्रेडिट क्वालिटी ट्रिपल ए लेना ही लेना है, या तो डबल ए तक भी ले सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि ट्रिपल ए वाले फंड्स लें। तो आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए GOI कैश, इसका क्या मतलब है कि ये लिक्विड फंड्स हैं। लिक्विड फंड्स में बॉन्ड्स ऐसे रेटेड बॉन्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो सेफ्टी के लिहाज से और कम मैच्योरिटी के हिसाब से, आप देखेंगे इसकी मैच्योरिटी 0.05 ईयर्स, मतलब बहुत ही कम है। तो इसमें क्या ये कैश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैश और कॉल इस टाइप के इन्वेस्टमेंट रहते हैं, तो ये बहुत ही सेफ होते हैं। तो ये सारे लिक्विड फंड्स आप देखेंगे तो इनमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी है, क्योंकि ये कैश में ही डील करते हैं। इसके अलावा अगर आप बॉन्ड्स में जाएंगे तो देखिए ये सब सारे ट्रिपल ए वाले हैं और ये मैच्योरिटी है, मतलब आप चाहे तो मैच्योरिटी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये ईल्ड टू मैच्योरिटी आपको दिखाता है कितना आपको इसमें रिटर्न्स मिलना है। जैसे मतलब मैं मान लीजिए कि देखिए 9%, ये ईल्ड टू मैच्योरिटी 9%, मतलब फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड का जो ईल्ड आ रहा है वो 9.64 आ रहा है, और इसकी लेकिन क्रेडिट क्वालिटी देखेंगे तो डबल ए हो गया। जैसे मैं बताया ना कि जैसे देखिए इसके जैसे से आपका बॉन्ड का रेटिंग जैसे से कम होता जाएगा, उस तरह से रिटर्न्स उसका कंपैरिजन में बढ़ता जाएगा। अब जैसे देखिए ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए वाले बॉन्ड से नीचे वो कंपैरिजन में थोड़े से कम रिटर्न है। और अब बॉन्ड स्टाइल देख रहे हैं, ये देखेंगे आप इसको थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो पूरा बड़ा आ जाएगा। आप ये देखें कि क्रेडिट क्वालिटी और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी दोनों जो है वो ब्लू में होना चाहिए, मतलब इसका कहने का मतलब ये है जैसे आप पर्टिकुलरली इसमें देख रहे हैं कि ये बीच में है, नीचे बीच में है, तो मतलब ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, मतलब क्रेडिट क्वालिटी भी हाई रहनी चाहिए और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी भी लो रहना चाहिए। तो ऐसा हमको देखना पड़ेगा। जैसे मान लें कि अभी ये देखिए ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म घूम फिर के वही आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी काफ़ी देखने के बाद में इसमें इन्वेस्ट किया है, ये काफ़ी अच्छा है। तो आप देखेंगे देखिए हाई क्रेडिट क्वालिटी भी हाई है इसमें और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी भी लो है, और ईल्ड टू मैच्योरिटी 4.7%, मतलब इसका रिटर्न्स के लगभग एवरेज जो ईल्ड आ रही है वो 4.71% आ रही है, और जो एवरेज मैच्योरिटी है बॉन्ड के मैच्योर की वो लगभग 6 महीने के आसपास है, तो ये काफ़ी इस मामले में अच्छा है। तो एक बार हम ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड को खोल लेते हैं। देखिए ये हमने खोला, इसके बारे में देखिए अगर इसके ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे देखिए इसका कंसिस्टेंटली ये जो है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा है। और ये जो CCL लिक्विडिटी वेट है, मतलब ये बेंचमार्क है, इससे काफ़ी गैप है, मतलब जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना अच्छा रिटर्न्स आपको मिलने की संभावना रहेगी। और अगर आप देखेंगे तो 7 साल में 8%, लगभग 9%, 5 साल में 8%, 3 साल में 7%, 1 साल में लगभग 5.5%, सो नॉट बैड, एक्चुअली अच्छा है।
और वहीं आप और भी नीचे पीयर में पीयर कंपैरिजन करेंगे सिमिलर फंड्स का, तो आप देखेंगे कि एक साल का रिटर्न ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का सबसे अच्छा है, और हालांकि इसको रेटिंग भी 5 स्टार दी हुई है, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए क्रेडिट क्वालिटी आप देख रहे हैं हाई, और इंटरेस्ट सेंसिटिविटी लो है, और आप देखेंगे तो इसमें एवरेज क्रेडिट रेटिंग भी AAA है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में देना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। हमें कमेंट करके बताएं कि आप डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और क्या जानकारी चाहते हैं। ऐसे ही निवेश से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल इंस्टा निवेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।